माननीय प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी, मेरे लोकसभा मऊ सहित उत्तर प्रदेश के सैकड़ों बच्चे इस समय मलेशिया में एक चाइनीज ओन्ड कंपनी में फंसे हुए हैं, जो उन बच्चों को बंधक बनाकर काम करवा रहा है, प्रताड़ित करता है, मारता है, महज खाने पीने का सामान देकर काम कराता रहता है, एक भी पैसा तनख्वाह तक नहीं देता। लगभग 7 महीने से बच्चों के साथ ये दुर्दशा हो रही है। बच्चों ने संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया, लेकिन कुछ मदद नहीं मिल पाई। मैं आपसे अपील करता हूँ कि भारतीय सम्मान के लिए, भारत के नौजवानों के लिए तत्काल अपने दूतावास को आदेश करें कि बच्चों को वंदे भारत मिशन के तहत वापस देश में लाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो महाराष्ट्र मुंबई स्थित कंपनी है, जो ऐसे बड़े स्कैम कर रही है कि बच्चों से 1-1 लाख रुपया लेकर सैकड़ों बच्चों को ऐसे कंपनियों के हाथ बेचना, जहाँ जाकर हमारे बच्चे फंस जाते हैं, शिकायत के बावजूद महाराष्ट्र पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, न महाराष्ट्र सरकार ने करी। मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि बच्चों को लाने के साथ ही ऐसी कंपनियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई किया जाए। मुझे अभी वापस बच्चों ने फ़ोन किया था कि जब मेरे प्रयास के बाद एम्बेसी ने उनको फ़ोन किया तो कंपनी का मालिक बोल रहा है कि इतने पैसे दो तब तुम उनको छोड़ेंगे, मतलब यह फिरौती मांगने की नौबत तक आ गई। ऐसी कंपनियों को जो भेजते हैं और ऐसे विदेश में स्थित कंपनियों के खिलाफ भी जो भी कानूनी कार्रवाई संभव हो आप करें और तत्काल हमारे बच्चों को वापस लाने की व्यवस्था करें। मैं ये अनुरोध इस आश्वासन के साथ करता हूं कि अगर हमारे सरकार के किसी नियम कानून तहत ऐसा संभव नहीं हो कि बच्चों को वापस आने का टिकट सरकार कराए, तो मऊ के सारे बच्चों के हवाई जहाज़ का टिकट कराने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। निवेदन बस इतना है कि उन बच्चों को वापस लाया जाए, उनके घर वालों का बुरा हाल है।